कई बार जो क्चर होता है अपनी ब्रांच से तो गुड्स सेल करता ही है बट वो होलसेलर के थ्रू भी गुड्स को सेल करता है तो इस केसेस में इन केसेस में जो गुड्स होती हैं, जो सप्लाई वो ब्रांच को कर रहा है हो सकता है वो सेम प्राइस पर होलसेलर्स को सप्लाई करे और दोनों को डिफरेंट प्राइसेस पर भी सप्लाई कर सकता है तो जो ब्रांचेस सेल करती हैं गुड्स को कंज्यूमर को वो प्राइस हायर होता है होलसेल प्राइस से इसीलिए जो ब्रांचेस हैं वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है मैन्युफेक्चरर अर्न कर सकता है अपनी खुद की ब्रांचेज से फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट का थाउजेंड और होल सेल प्राइस है उसका इलेवन हंड्रेड और जबकि कंज्यूमर को वो जिस प्राइस पर बेचा जा रहा है वो है 1250. तो इस केस में जो प्रॉफिट ब्रांच से होगा वो होगा ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी माइनस थाउजेंड टू फिफ्टी बट जो एक्चुअली प्रॉफिट अर्न ब्रांच ने किया है वो है वन फिफ्टी क्योंकि हम जो डिफरेंस देख रहे हैं वो हम इलेवन हंड्रेड और वन टू फाइव जीरो के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं क्यों जो प्रॉफिट था वो हंड्रेड होता अगर हेड ऑफिस अर्न करता गुड्स को डायरेक्टली होलसेलर्स को सेल करके अगर वो अपने ब्रांचेस से उसे सेल नहीं करता तो इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी जो सप्लाई कर रहा है हेड ऑफिस ब्रांच को होलसेल पर प्राइस पर कर रहा है कॉस्ट प्राइस पर नहीं कर रहा है इसका मतलब कि जो होलसेल प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस हुआ गुड्स का ब्रांच के लिए तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी अनसोल्ड स्टॉक है ब्रांच के पास वो होलसेल प्राइस पर है ब्रांच अकाउंट में जो शो हो रहा है जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसी प्रॉफिट को हम अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं तो ट्रू प्रॉफिट जानने के लिए जरूरी है कि ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रहा है उसे हम ट्रांसफर करें स्टॉक रिजर्व अकाउंट में जिसके लिए एंट्री जो है वो की जाएगी हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट और नेक्स्ट ईयर में यही एंट्री रिवर्स कर दी जाती है क्योंकि जो अनसोल्ड स्टॉक है वो सोल्ड आउट हो जाएगा और प्रॉफिट एक्चुअली रियलाइज हो जाएगा इस मेथड के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं पहला है इलोस्ट्रेशन नंबर एटीन हेड ऑफिस फिक्स सेलिंग प्राइस फॉर इट्स गुड्स एट टू हंड्रेड परसेंट ऑफ Goods are sent to the branch at twenty-five percent less than the selling price and to other dealers at twenty percent less than the selling price. Calculate the profit at the head office and at branch separately from the following information. Information regarding opening stock. परचेजिज गुड एंड टू ब्रांच गुड्स एंड टू अदर डीलर्स सेल्स टू कस्टमर और एक्सपेंसिस की तो हमें कैलकुलेट करना है प्रोफिट एट द हेड ऑफिस एंड ब्रांच सेपरेटली तो हमें जो बनाना पड़ेगा दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं प्राइस में हमें क्या मैंशन है की जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है टू परसेंट ऑफ द कॉस्ट तो लेट द टोटल कॉस्ट बी हंड्रेड अगर हमारा कॉस्ट प्राइस हंड्रेड है तो सेलिंग प्राइस हुआ टू हंड्रेड रुपीज

निकालेंगे तो 40 आता है तो 200 में से 40 माइनस किया तो डीलर्स का प्राइस आ गया 160 तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हम एक ही फॉर्मेट में दोनों का बना देते हैं अलग अलग हम नहीं बनाएंगे ताकि हमें जो आइटम्स है इजी uh, हो लिखने में तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है क्वेश्चन में थर्टी सिक्स थाउजेंड हेड ऑफिस का और सेवेंटी टू हंड्रेड ब्रांच का तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया डेबिट साइड पे थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड सेवेंटी टू हंड्रेड नेक्स्ट जो आइटम गिवन है दैट इज परचेजेस हेड ऑफिस ने जो की है परचेजेस में हमने लिख दिया टू फोर्टी नेक्स्ट इज गुड सेंट टू ब्रांच ब्रांच को गुड सेंड की है तो बाय गुड सेंट टू ब्रांच हेड ऑफिस में आएगा सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ब्रांच ने रिसीव की है तो ब्रांच में डेबिट साइड आएगा ब्रांच अकाउंट के टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट है गुड्स सेंड टू अदर डीलर सेवेंटी टू थाउजेंड की हेड uh, ऑफिस ने सेंड की है तो बाय गुड सेंड टू अदर डीलर सेवेंटी टू थाउजेंड नेक्स्ट इज सेल्स टू कस्टमर्स तो बाय सेल्स हमने लिखा वन लैख एट्टी थाउजेंड और नाइनटी टू थाउजेंड देन एक्सपेंसिस गिवन है आपके तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू एक्सपेंसिस फोर्टी थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड अब यहाँ पर जब हम uh, सारी आइटम्स को लिख चुके हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस जो आपका लॉस दोनों में से क्या निकलता है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर गिवन नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट लेकिन हम निकाल सकते हैं क्योंकि ऊपर हमें मेंशन है कि सेलिंग प्राइस क्या है और ब्रांच को किस प्राइस पर जो है गुड्स वो मिली है तो अगर हमारा सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की हेड ऑफिस के लिए तो हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग सेल्स उसकी कितनी होगी 180 की सेल्स हुई है उसकी प्लस जो उसने गुड्स भेजी है ब्रांच को और अदर डीलर्स को वो भी तो एक तरीके से सेल्स ही मानी जाएंगी तो सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी टू थाउजेंड और वन लैख एट्टी थाउजेंड पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन ग्रॉस प्रॉफिट का देखिए कि अगर आपका जो सेल प्राइस है ब्रांच को वो है वन फिफ्टी तो उसमें आपका प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है फिफ्टी रुपीज तो हम सिंपल सा यूनिट मात्र लगाएंगे कि अगर वन फिफ्टी सेलिंग प्राइस है और फिफ्टी आपका उसमें प्रॉफिट है तो अगर आपकी सेल्स सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है तो प्रॉफिट कितना होगा सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन फिफ्टी इंटू फिफ्टी तो सेम तरीके से यहाँ पर हम निकालेंगे अदर डीलर्स के लिए सेवेंटी टू थाउजेंड अदर डीलर्स के लिए जो है वो सिक्स वन सिक्सटी का प्राइस है यहाँ हमने देखा था वन सिक्सटी का प्राइस अदर डीलर्स के लिए तो सेवेंटी टू थाउजेंड इंटू सिक्स डिवाइड बायी कस्टमर्स के लिए टू हंड्रेड है तो हंड्रेड का डिफरेंस है तो वन एट्टी इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड तो टोटल किया तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया अब ब्रांच के लिए क्या है ब्रांच कस्टमर्स को किस प्राइस पर सेल कर रहा है 200 के प्राइस पर जबकि उसे खुद को कितने प्राइस पर मिला है 150 मतलब डिफरेंस कितना है उसके प्रॉफिट का 50 तो और सेल्स हुई है उसकी 92,000 तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है ब्रांच के लिए वो कितना हुआ 92,000 टू थाउजेंड इंटू फिफ्टी डिवाइड बाय टू हंड्रेड सिंपल यूनिट मैथड हमने यहाँ पे लगाया है तो ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर शो कर दिया वन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हेड ऑफिस का और ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ब्रांच का जब दोनों साइड्स को आपने बैलेंस किया तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ गई देन ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे लेके जाएंगे पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर और उसके बाद एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं उसके बाद जो भी ब्रांच अकाउंट में आपका स्टॉक एग्जिस्ट करता है वो इन्फ्लेटेड प्राइस पर है तो जो इन्वॉइस प्राइस पर है तो उसमें जितना भी अनरियलाइज प्रॉफिट है उसे हम निकालेंगे तो 7200 जो है आपका ओपनिंग स्टॉक है तो 7200 टू हंड्रेड इंटू फिफ्टी डिवाइड बाय फिफ्टी ट्वेंटी आ गया और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 5700 तो 5700 सेवन हंड्रेड इंटू फिफ्टी डिवाइड बाय 150 आपका आ गया दैट इज नाइनटीन हंड्रेड दोनों साइड्स पे आपने इसको लिखा स्टॉक रिजर्व को और दोनों साइड्स को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा इसकी एक और इलेन हम कर लेते हैं नंबर हेड ऑफिस गुड्स इट्स ब्रांच एट लेस देन द ब्रांच ऑन द होल सेल बेसिस हेड ऑफिस इज सेलिंग गुड्स टू कस्टमर ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट गिवेन है ओपनिंग स्टॉक प्राइस गिवेन है ब्रांच के लिए देन परचेजिज गि है आपकी गुड एंड टू ब्रांच एट इन वॉयस प्राइस सेल्स एंड एक्सपेंसिस ट्रेडिंग एंड प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा है और ब्रांच में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस हमें गिवन है ब्रांच का 16000 तो ब्रांच पे 16000 हमने लिखा देन नेक्स्ट हमारा है परचेजेस परचेजेस डेबिट साइड पे टू परचेजेस टू लाख देन गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस गुड्स सेंड की है हेड ऑफिस ने तो क्रेडिट uh, साइड पे आ जाएगा हेड ऑफिस के लिए बाय गुड्स एंड टू ब्रांच 96,000 सिक्स थाउजेंड की जबकि ब्रांच अकाउंट के लिए डेबिट साइड पे आ जाएगा टू तो हम पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन नहीं है तो हमें यहाँ पर स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक की फिगर निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का निकालना है तो हेड ऑफिस का भी स्टॉक अकाउंट बनेगा और जो आपका ब्रांच है ब्रांच का भी हमारा आ, जो स्टॉक अकाउंट है वो बनेगा तो ओपनिंग स्टॉक हमने हेड ऑफिस का लिखा Purchases given है लाख uh, कितने की की हमने की. हम ये सब चीजें पर बना रहे हैं अकाउंट को तो जो नाइन्टी सिक्स थाउजेंड है वो इनवॉइस प्राइस है हमारा तो इनवॉइस प्राइस अगर है तो हमें उसे पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अगर हमारा इनवॉइस प्राइस है वन सिक्सटी तो कॉस्ट है हमारी 100 की तो अगर हमारा है, तो कितने की तो 100 160, आपका एक चीज देखिए जो गुड्स सेंड की गई है ब्रांच को ट्वेंटी परसेंट लेस देन लिस्ट प्राइस आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस हंड्रेड परसेंट कॉस्ट प्लस हंड्रेड परसेंट मतलब आपकी कॉस्ट हंड्रेड है तो आपने उसमें हंड्रेड ऐड किया तो टू हंड्रेड जो है वो आपका लिस्ट प्राइस हो गया टू हंड्रेड का जब आप ट्वेंटी परसेंट करेंगे तो फोर्टी आया टू हंड्रेड माइनस फोर्टी किया तो वन सिक्सटी आ गया तो आपकी जो सेलिंग uh, प्राइस बना ब्रांच के लिए दैट इज वन सिक्सटी तो इसीलिए हमने यहाँ पे हंड्रेड अपॉन वन सिक्सटी किया है देन बाय सेल्स आपकी वन सेवेंटी है तो सेल्स सेलिंग प्राइस आपका 200 था और कॉस्ट है आपकी 100 तो उसकी सेल्स का कॉस्ट निकालने के लिए हमने किया कि अगर 200 है तो आपका कॉस्ट कितना होगा 170 सेवेंटी इंटू हंड्रेड डिवाइड बाय टू हंड्रेड एटी फाइव थाउजेंड दोनों साइड को बैलेंस करेंगे आप तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा सेम तरीके से जो हमारा ब्रांच अकाउंट है उस, आ, उसका हम जो स्टॉक uh, अकाउंट है वो प्रिपेयर करेंगे तो ब्रांच अकाउंट के लिए ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमें तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस नाइन्टी सिक्स थाउजेंड की सेल्स सेम कॉस्ट निकालेंगे हम कि अगर आपका सेल्स uh, प्राइस हु, uh, हुआ टू हंड्रेड तो कॉस्ट है आपके लिए वन सिक्सटी तो अगर सेल्स प्राइस एट्टी थाउजेंड है तो कॉस्ट कितनी होगी तो एटी थाउजेंड इंटू वन सिक्सटी डिवाइड बाई टू हंड्रेड सिक्स थाउजेंड तो जब आप दोनों को बैलेंस करेंगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और इस क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड फोर्टी एट थाउजेंड दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट को हमने आगे फॉरवर्ड किया पी एंड एल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट उसके बाद अनरियलाइज्ड जो प्रॉफिट है वो हमें देखना है स्टॉक रिजर्व जो है क्लोजिंग स्टॉक का यहां पे ये जो इज uh, रिजर्व है वो हम सिर्फ ब्रांच के लिए देखते हैं तो यहाँ पे फोर्टी एट थाउजेंड है आपका तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमने क्रेडिट साइड पे होता है क्लोजिंग स्टॉक तो डेबिट साइड पे हमें उसकी uh, जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो करनी है तो फोर्टी एट थाउजेंड इंटू सिक्सटी डिवाइड बाई वन सिक्सटी और ओपनिंग स्टॉक सिक्सटीन थाउजेंड आपका तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सिक्सटीन थाउजेंड इंटू सिक्सटी डिवाइड बाई वन सिक्सटी दोनों साइड्स को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो ये था आपका क्वेश्चन होलसेल प्राइस सिस्टम का तो इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर वन ब्रांच अकाउंट वो कंप्लीट होता है थैंक यू सो मच